मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि आज के इस वीडियो में जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ ना, सिर्फ ये रेमेडी आप यूज कर लीजिए पूरे विंटर भर। विंटर जैसे ही खत्म होता है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप स्टॉप कर देना, एंड अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 3 मंथ में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप इसे स्टॉप कर ही नहीं पाएंगे, आप इसे कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको अभी बताया ना, हेयर फॉल का प्रॉब्लम, हेयर लेंथ नहीं बढ़ने का प्रॉब्लम, एंड स्कैल्प पर डैंड्रफ का प्रॉब्लम, फ्रिजीनेस का प्रॉब्लम एंड स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम, ये 5 तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस रेमेडी से है। मास्क लगाना है? बिल्कुल नहीं। ऑयल लगाना है? बिल्कुल नहीं। सिंपल सा आपको एक टोनर तैयार करना है, ठीक है? तो चलिए फिर हम जानते हैं कि कौन सा रेमेडी एंड कौन सा टोनर का मैं बात कर रही हूँ, इतना ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो है अदरक। फ्रेंड्स, अदरक, अदरक के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार गूगल कर लीजिए और उसे बिल्कुल डिटेल में आप पढ़िए। इतना अच्छा इसका बेनिफिट है हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए, साफ रखने के लिए एंड हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। एंड बेवजह हमारे हेयर फॉल जो होते हैं ना, बिना वजह के भी इधर उधर से गिर जाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को ये बंद कर देगा। बस आपको इसे मतलब छोटा टुकड़ा में लेना है, ठीक है? ये नहीं कि इससे इतना ज़्यादा बेनिफिट है तो हम बहुत बड़ा टुकड़ा में यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल सिर्फ 2 इंच के करीब आपको लेना है एंड उसे आपको बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लेना है, कूट लेना है अच्छे से, ठीक है? बस इसे आप साइड में रख दीजिए। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट आपको लेना है प्याज। प्याज, व्हाइट प्याज छोड़ करके आप कोई भी प्याज का यूज़ कर सकते हैं, रेड ऑनियन यूज़ कर सकते हैं या फिर जो पर्पल रेड कलर में जो ऑनियन आते हैं ना, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलता है, ये हमारे हेयर फॉल को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है एंड हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करता है। बहुत ही तेज़ी से हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बालों में जू का प्रॉब्लम आ जाता है ना, जो बक्स का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसे भी रिमूव करने का काम करता है। एंड इसके साथ साथ ये डैंड्रफ को हटाने के लिए सिर्फ एक बार ही यूज़ करना काफ़ी है, इतना अच्छा इससे रिजल्ट मिलता है। बट फ्रेंड्स, विंटर सीजन में बहुत सारे लोगों को प्याज सूटेबल नहीं होता है, कई बार माथा दर्द स्टार्ट हो जाता है, मुझे भी ऐसा होता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, प्याज आप स्किप कर दीजिए एंड उसके जगह में प्याज के छिलके का यूज़ कीजिए, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट फ्रेंड्स, अभी मेरे पास प्याज का छिलका अवेलेबल नहीं था, एक बार पहले ही मैंने यूज़ कर लिया तो सारा छिलका मैंने उतार दिया था। तीसरा इंग्रेडिएंट हमें लेना है करी लीव्स। फ्रेंड्स, करी लीव्स बहुत बार ताजे अवेलेबल नहीं होते हैं, मेरे पास अवेलेबल थे तो मैं यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना यहाँ पर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन आप इसे शॉपिंग कर सकते हैं, ये ड्राई फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेस कर लीजिए। बालों को काला बनाए रखने में एंड सॉफ्ट एंड सिल्की एंड फ्रिजीनेस को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर करी लिप्स आपको स्किप नहीं करना है एंड इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट। चौथा इंग्रेडिएंट हमें क्या लेना है, चावल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा मेथी पाउडर। फ्रेंड्स, मेथी पाउडर सबके घर में अवेलेबल नहीं होता है, मेरे घर में अवेलेबल नहीं था तो मैं यहाँ पर मेथी दाना का यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच मेथी दाना यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एंड अगर आपके घर में पाउडर अवेलेबल है तो आप 1 चम्मच मेथी पाउडर यूज़ कर लीजिए। अगर हम इसके गुडनेस के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये हमारे हेयर लेंथ को बिल्कुल शाइनी, स्मूथ एंड सिल्की बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो बीच में इससे ब्रेकेज आते हैं ना, बीच में से हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वैसे प्रॉब्लम्स को ये ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड हमारे हेयर एंडिंग्स पर जो दो मुहे बाल का प्रॉब्लम आ जाता है ना, उसे ये प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम आ चुका है तो उसे आप ट्रिम कर दीजिए एंड ये टोनर यूज़ कीजिए। ट्रस्ट में फ्रेंड्स, फ्यूचर में आपको कभी भी स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आप यूज़ करके देखिए, ठीक है? फिफ्थ इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये इंग्रेडिएंट आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तब, बट ये इतना ज़्यादा पोटेंट है हमारे हेयर फॉल को इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए एंड हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए। आप एक बार इसके बारे में सर्च करना, ठीक है, एंड पढ़ना इसके बारे में। मैं बात कर रही हूँ लहसुन के बारे में, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सिर्फ आप लहसुन के 2 कलियाँ ले लीजिए, इसे आप अच्छे से कूट लीजिए एंड यहाँ पर आपको यूज़ करना है। इससे आपका हेयर ग्रोथ का जो रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। यूज़ करके देखना एंड थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है कि इससे हमारे स्कैल्प पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे बालों पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मेरे बालों के लिए बहुत ही अच्छे से सूटेबल हुआ है तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इतने सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको लेना ही होगा, कोई भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है? लहसुन को छोड़कर आप चाहे तो लहसुन स्किप कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस टोनर को कैसे तैयार करना है। फ्रेंड्स, सिंपली आपको कोई भी हेवी तेल वाला बर्तन ले लेना है, उस पर आपको 1 गिलास पानी ले लेना है। पानी का मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसे आपका हेयर लेंथ है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है?
एंड जब ये पानी खौलने लग जाए तब आपको चावल को छोड़ करके बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर डाल देना है एंड लो फ्लेम पर आपको पकाना है 10 मिनट तक, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा पानी का यूज़ किया है तो आप 10 से 15 मिनट पका सकते हैं, बट लो फ्लेम पर ही आपको पकाना है, ठीक है। जब 10 मिनट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर चावल ऐड कर देना है। चावल मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब लिया है। तो चावल डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट तक आपको लो फ्लेम पर पकाना है, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, आप इस टोनर को अच्छे से छान लीजिए एंड कॉटन के हेल्प से पूरे स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, कॉटन से अप्लाई करना नहीं चाहते हैं एंड आपके पास स्प्रे बोतल अवेलेबल है तो आप स्प्रे बोतल में इसे फिल कीजिए एंड पूरे हेयर लेंथ पर भी एंड स्कैल्प पर भी अप्लाई कीजिए। ट्रस्ट में फ्रेंड्स, 3 मंथ तक अगर आप ऐसा करते हैं आपके बाल काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो एंड पूरे विंटर भर यूज़ करो, आप देखेंगे विंटर ख़त्म होते होते आप अपने बाल के खुद ही फैन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस टोनर को सप्ताह के 7ों दिन यूज़ करना है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको सप्ताह के 3 दिन ही यूज़ करना है। एक एक दिन गैप करके आप इसे यूज़ कीजिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि कितने एज के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं? फ्रेंड्स, अगर आप टीनएजर्स हैं तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर 13+ हैं, आप जितना भी अबव हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, बट फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे ना तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार हमने लहसुन का भी यूज़ किया है एंड अदरक भी यूज़ किया है ना, तो बहुत सारे लोगों को ये सूटेबल नहीं होता है, तो इसलिए आप एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर सूटेबल हो गया तो फिर आपके बल्ले बल्ले, इससे ज़्यादा अच्छा रेमेडी आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है, यूज़ करके देखना। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने सारा चीज़ आपको क्लियरली बता दिया, बट फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का 100% आंसर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।